नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार आने वाले दिनों में टेलीग्राम को बैन कर सकता है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम के साथ साथ आप व्हाट्सएप चैनल पर भी राजस्थान ज्ञान स्टोर व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा फेसबुक पेज की भी लिंक मिल जाएगी राजस्थान ज्ञान स्टोर। तो तीन जगह आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, इसके अलावा फेसबुक से जुड़ सकते हैं। आपको तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज 28 अगस्त 2024 संपूर्ण। तो दोस्तों आज 28 अगस्त 2024 की राजस्थान शिक्षा विभाग की बड़ी खबरें देख लेते हैं। आज का इतिहास, 28 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाएं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ले सकते हैं रीट और रीट 2024 विज्ञप्ति, अन्य भर्तियों को लेकर मीटिंग, कल लेनी थी मीटिंग लेकिन नहीं हो पाई। बीकानेर शिक्षा विभाग से न्यूज, दंडवत करते हुए निदेशालय पहुंचे बेरोजगार, लेवल वन टीचर भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं कैंडिडेट्स रीट शिक्षक भर्ती लेवल वन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्यपाल के साथ की शिक्षा विभाग की मीटिंग, पिछड़े क्षेत्रों को चिन्हित कर स्कूल खोले जाए राज्यपाल, पहली कक्षा से ही चरित्र निर्माण, संस्कारी नागरिक बनाने की शिक्षा दे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी थे साथ में। राज्यपाल ने प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षरता सतत शिक्षा, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के तहत राज्य में शिक्षा प्रसार के लिए हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा में संस्कार शिक्षा को राज्य में प्राथमिकता देते हुए प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा महकमा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के सोपान पूरे करें, इस उद्देश्य से राज्यपाल की ओर से दिए गए निर्देशों की त्वरित पालन करने के लिए भी अधिकारियों को कहा है। शिक्षकों का भी हो प्रबोधन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सभी भर्तियों में पेपर विसंगतियों को लेकर धरना प्रदर्शन की प्रमुख मांगे आज शहीद स्मारक पर। प्रमुख मांगे क्या है? पांच मांग। पहली मांग, भर्ती परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं हो। आरएसएसबी द्वारा भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा तिथि के साथ ही टॉपिक वाइज विस्तृत सिलेबस के साथ भर्ती पूरी करने की समय सीमा तय हो। एलडीसी भर्ती 41 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 23 प्रश्न डिलीट की जांच होकर पेपर एक्सपर्ट पर कार्रवाई हो। महिला आरक्षण 50% से कम करके बीएससी युवाओं को राहत देवे रीट 2024 में। इसके अलावा बजट में घोषित 1,00,000 पदों का विभाग वाइज वर्गीकरण जारी करे। खुशखबरी, प्रदेश सरकार ने नई आरएएस के 500 पदों के लिए अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की भी विज्ञप्ति पहले इसी महीने में यानी अगले महीने में जारी होगी, सितंबर के महीने में। दोनों भर्तियां आरएएस फर्स्ट ग्रेड अगले महीने जारी होगी, सेकंड ग्रेड बाद में जारी होगी। राजस्थान शिक्षक संघ ने की शिक्षा मंत्री से मुलाकात। शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कार्य नहीं कराने पर बनी सैद्धांतिक सहमति, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दी। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षाओं में पहली बार अजीब नियम, मौजूदा जिला चुनने पर 10 बोनस अंक मिलेंगे। आरपीएससी सिंधी म्यूलॉजिकल तथा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के इंटरव्यू आज। रेलवे विभिन्न पदों के लिए आवेदन कल तक होंगे। आरपीएससी आरएएस मेंस की कॉपियों की स्कैनिंग जारी है। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जारी। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। पीटीटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिर शुरू नहीं हुई, तो बीएससी बीएड कोर्स में नहीं भरी जाएगी 22% खाली सीटें। स्टाफ चयन परीक्षा आज जारी होगी आंसर की।
अजमेर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 चार प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग जारी। हर प्रश्न को अलग एक्सपर्ट से जचवाने की तैयारी में आयोग। रेलवे में जूनियर इंजीनियर सहित 7,951 पदों के लिए होगी भर्ती। सहायक आचार्य भर्ती 2023 आयोग 3 विषयों के रिजल्ट 29 को जारी करेगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में साकार होगी लाडो प्रोत्साहन योजना। प्रीडीएलएड द्वितीय आवंटन सूची जारी। 3 सितंबर तक करनी होगी रिपोर्टिंग। सूचना सहायक भर्ती 2023 मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई। कर्मचारी चयन बोर्ड से मांगा जवाब। टाइप टेस्ट में प्रार्थियों को शामिल करे। आरएएस भर्ती परीक्षा की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप। पशुपालन विभाग में 25 साल बाद हो रही है यह भर्ती। सीकर के 3,00,000 युवाओं ने भरा फॉर्म। 11 साल पहले निकाली थी पशु परिचर, 11 माह पहले निकाली थी पशु परिचर भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति। अब तक सिलेबस तय नहीं। 17.64 लाख अभ्यर्थी असमंजस में। सीकर भास्कर न्यूज। कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा विभाग तय करे सिलेबस। विभाग बोला हमें चिट्ठी ही नहीं मिली, यानी फाइल घूम रही है। विश्वविद्यालय ने घोषित की परीक्षाओं की नई तिथियां। 31 तक हो सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कार्य नहीं करवाने पर बनी सैद्धांतिक सहमति। शिक्षा मंत्री से मिले राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारी। इकतीस विषयों की 760 सीटों के लिए आए 547 आवेदन राजस्थान आरपीएससी। सूचना सहायक भर्ती के टाइप टेस्ट में शामिल करने के आदेश। नवज्योति न्यूज। नीट पीजी का रिजल्ट घोषित। जल्द शुरू होगी काउंसलिंग 2024। बीपीएड एमपीएड की प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे 10,281 छात्र। राजस्थान नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग। 10वीं पास उम्मीदवार तय करेंगे ऑफलाइन अप्लाई। इंटरव्यू के आधार पर होगा सिलेक्शन। सरकारी स्कूलों में घटे 21 लाख विद्यार्थी। कक्षा 1 में नहीं आ रहे विद्यार्थी। पाली। दस्तावेज का सत्यापन अब संबंधित विभागों के जिम्मे। 1.5 महीने में पूरा करना होगा दस्तावेज सत्यापन का कार्य। भर्ती परीक्षाओं में समय कम करने की कवायद। बीकानेर। आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड। बोर्ड परीक्षा री चेकिंग के चौंकाने वाले परिणाम। गांव भोलावाली की छात्रा के बड़े 60 अंक। जोड़ की गलती। विधि विश्वविद्यालय नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया। टीचिंग के 40, नॉन टीचिंग के 54 पद। जयपुर।